हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए। इस प्रार्थना को लास्ट तक सुन लेना, पूरा सुनना, उल्लास तक सुनना। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा मेरे प्रियजनों। यदि आप परेशान है, दुख में, तकलीफ में, बीमारी में, ग्रस्त है, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है। आज हमें किसी मनुष्य से नहीं बताना है, हमें किसी मनुष्य से पता नहीं कर सकता नहीं, हमें किसी इंसान से पता नहीं कर सकता नहीं, हमें पिता परमेश्वर से बताना है, हमें यीशु मसीह से बताना है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा, परमेश्वर आपकी जिंदगियों को बदलेगा मेरे प्रियजनों। परमेश्वर का वचन कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य का सहारा लेता है, उस पर भरोसा रखता है। मेरे प्रियजनों, हमें किसी मनुष्य का, किसी इंसान का सहारा नहीं लेना है, हमें यीशु मसीह का सहारा लेना है, हमें परमेश्वर का सहारा लेना है। हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। यीशु मसीह ने कहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मत घबरा, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बहनियों की जाल से, महामारियों से बचाऊंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे छुड़ाने वाला हूं, मैं जीवित हूं। मेरे परमेश्वर आज पर पिता इनकी जिंदगी को बदल दे। मेरे प्रियजनों, यदि आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, खाट पे पड़े हैं, बेड पे पड़े हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलख रहे हैं, टूट चुके हैं, उदास हैं, हताश हैं, निराश हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, लाचारी में हैं, गरीबी में हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है, आज आपको यीशु मसीह से बताना है। आज आपको किसी मनुष्य से बता नहीं सकता सकता नहीं है, आज आपको पिता परमेश्वर से बताना है, आज आपको यीशु मसीह से बताना है। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है, निश्चय उसने हमारे दुखों को, निश्चय उसने हमारे रोगों को, हमारे दुखों को उसने अपनी देह पर उठा लिया, अपने ऊपर ले लिया। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर अपने देह पर ले लिया, और उसने कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा, उसके हाथों पैरों में किले ठोकी गई। मेरे प्रियजनों, सिर्फ हम सभी के खातिर, मेरे प्रियजनों, जो सजा हम सभी को मिलने वाली थी, जो सजा मानव जात को मिलने वाली थी, वो सजा यीशु मसीह ने अपने पर ले लिया, अपने देह पर हमारा परमेश्वर ले लिया, और हंसते हंसते क्रूस पर चढ़ गया और बलिदान हो गया, और कहने लगा, हे पिता, इन्हें माफ कर दे, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया, ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियजनों, क्या यीशु मसीह हमारे दुखों को नहीं उठाएगा? क्या आपके रोने, बिलखने, चिल्लाने को नहीं बंद करेगा? क्या आपकी गरीबी को नहीं दूर करेगा? क्या आपके आंसुओं को नहीं पोछेगा? अरे उसने हम सबसे प्यार किया, लव किया। मेरे प्रियजनों, आज भाई भाई का कत्ल कर डालते धन दौलत के चक्कर में, तो जरा सोचो हमारे लिए और आपके लिए कौन लहू बहाएगा, कौन कोड़े खाएगा, कौन मार खाएगा, कौन बेइज्जती सहेगा, कौन मुंह पे थुकवा। अरे कोई इकलौता पुत्र यीशु मसीह, जिसने हम सभी के खातिर बलिदान हो गया, क्रूस पे चढ़ गया, कलरी क्रूस पे चढ़ गया, उसने अपना लहू बहा दिया, और आज हम उसके लहू से चंगे हैं, आजाद है। मेरे प्रियजनों, यदि आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, यदि आप सोच रहे हैं मेरी कोई स्तुति नहीं लेता है, मैं टूट चुका हूं, मैं हताश हो चुका हूं, मैं निराश हो चुका हूं, तो आज मैं आपसे बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, मेरे भाइयों और बहनों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आज आपको इस प्रार्थना को रिसीव करना है, और देखना मेरा परमेश्वर आपके जीवन में मिराकल करेगा, मिराकल, और आपकी जिंदगियों को बदल देगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा राफा हूँ, मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह का वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मेरे प्रियजनों, हमें आज यीशु मसीह के नाम से मांगना है, विश्वास के साथ मांगना है। मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगियों को बदलेगा, मेरा परमेश्वर आपकी फेवर करता है, मेरा परमेश्वर आपकी फिक्र करता है। यीशु ने कहा, रब ने कहा, खुदा ने कहा, फिक्र ना कर, मैं तेरा परमेश्वर, मैं मुहैया करूंगा, मैं बंदोबस्त करूंगा। तुझे कपड़ा चाहिए, तुझे पैसा चाहिए, तुझे धन चाहिए, तुझे दौलत चाहिए, तुझे चंगाई चाहिए, नौकरी चाहिए, मैं दूंगा, बस तू मेरी आज्ञाओं को माना कर। मेरे प्रियजन, इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनना है, लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करना है, क्योंकि जब हम आमीन बोलते हैं तो प्रार्थना पूरी हो जाती है और परमेश्वर के पास पहुंच जाती है, और परमेश्वर अपने हिसाब किताब से उसका उत्तर भी दे देता है। चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं।
हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिताजी, जो आपने मेरे पिता सभी को जीवतों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है। मेरे परमेश्वर हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं यीशु पापा। मेरे परमेश्वर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे पिता जो मर गए होंगे पिता, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से, परिवार वालों से वे बिछड़ गए होंगे, वे कैसे स्थान पर चले गए होंगे प्रभु जी, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते हैं। मेरे पिता जो आपने हमें नया जीवन दिया, संभाल के रखा है, सुरक्षित किया है, अपने पंखों तले छिपा के रखा है, मेरे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर खुदा जी पवित्र आत्मा, जो हम सभी मसीह भाई बहनों से पाप गलती गुनाह हुए, मेरे परमेश्वर आप हम सभी के पापों को, गुनाहों को, अधर्मों को आप क्षमा करें। मेरे राजाओं के राजा आप क्षमा करें, दाऊद की संतान हम सभी के ऊपर दया करें। मेरे परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ करें पिता, हम सभी मानव जाति के पापों को क्षमा करें। मेरे राजाओं के राजा अब्बा पिताजी, पिताजी हम मानव जाति हैं मेरे परमेश्वर, हम सभी पाप में गुनाहों में गिर सकते हैं मेरे राजा, हम माफ कीजिएगा, आप क्षमा कीजिए मेरे परमेश्वर। हे राजाओं के राजा, हे अब्बा जी अपना जिंदा लहू छिड़क कर शुद्ध कर दे मेरे परमेश्वर। पिता प्रार्थना करते हैं भाई बहनों के लिए मेरे परमेश्वर, जो मसीह भवन हॉस्पिटल में एडमिट है, जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उदास हैं, हताश हैं, निराश हैं, गिल्टियां, रसोलियां, पथरिया, ट्यूमर, ब्लड कैंसर मेरे परमेश्वर के शरीरों में है, पीलिया, चिट्टा मोतिया, काला मोतिया, यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर से उखड़ कर पाताल में चला जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 मेरे पिताजी आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। सचमुच मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं मेरे पिताजी, यीशु मसीह के नाम में ये मसीह बहन आजाद हो जाए, जकड़े हुए आजाद हो जाए, जंजीरों से जकड़े हुए आजाद हो जाए, हर जतंत्र मंत्र जादू विद्या के बंधन कट कर फायर हो जाए यीशु मसीह के नाम में, जल के भस्म हो जाए, जल के भस्म हो जाए, जल के भस्म हो जाए मेरे परमेश्वर, आजाद हो जाए, ये रिहा हो जाए यीशु पापा जी, पवित्र आत्मा जी यीशु मसीह के महासामर्थ्य हर सतानी बंधन टूट जाए, टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, जो गरीब है पिता, जो लाचार है, जो परेशान है, जो कमाने वाले नहीं पिताजी, 100-200 रुपये पर, 1000 रुपये पर अन्य जातियों से उधार ले रहे हैं मेरे खुदा जी, ये सहायता ले रहे हैं अब्बा जी मेरे परमेश्वर, ये सूरजा जी ये सबको छोड़ छाड़ के मेरे पिता आपके पीछे है मेरे परमेश्वर, आप इनकी जिंदगियों को बदल दीजिए मेरे परमेश्वर, आप इनकी गरीबियों को दूर कर दे परमेश्वर। पिताजी आपका वचन कहता है, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे खोले जाएंगे आशीष के दरवाजे। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, ढूंढते हैं, खटखटाते हैं इन तमाम मसीह भाई बहनों के लिए मेरे परमेश्वर, इनकी गरीबी, इनकी तंगी, इनकी परेशानी यीशु मसीह के नाम से चली जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा हैं आप, प्रभु के प्रभु मेरे परमेश्वर, स्वर्ग के झरोखे खुल जाएं, बंद आशीषों के दरवाजे खुल जाएं, ओपन द डोर, ओपन द डोर। हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रार्थना करते हैं, बहनों की कोखे बंद है पिताजी, ने बच्चे की आशीष नहीं मिलती मेरे परमेश्वर, जो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बहनें रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, उदास हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, वे हिम्मत छोड़ चुके हैं, साहस छोड़ चुके हैं। मेरे राजाओं के राजा पिता आपका वचन कहता है, लड़के यहोवा देता है, गर्व का फल परमेश्वर की ओर से होता है। मेरे राजाओं के राजा इनके गर्व का फल इन्हें मिलने पाए मेरे परमेश्वर, इनके प्रार्थनाओं का, मेहनत का फल इनकी गोद में आ जाए की रात मसीह के नाम में। परमेश्वर के गर्भ को छुए, ब्लेस करे पिता, इनकी गर्भ ब्लेस हो जाए, इनका आना जाना सब ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर इस रात को आपके हाथ में सौंपता हूं मेरे परमेश्वर, आपका वचन कहता है, जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब जो चैन की सुख की नींद आएगी। पिता मुझे आशा है, विश्वास है मेरे खुदा जी, आपने दुआओं को सुना है, प्रार्थनाओं को सुना है, ये छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा और कबूल करिएगा। आमीन।